हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने राग देशकार का एक ध्रुपद लेकर आया हूँ। ध्रुपद जो कि चौताल में गाया बजाया जाता है, तो चौताल 12 मात्रा का होता है और इसके बोल है धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट तक गति गन धा। तो ये 12 मात्रा के चौताल में हम आज एक बढ़िया सा देशकार राग का ध्रुपद करने जा रहे हैं। तो देशकार राग की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दूं कि देशकार राग भोपाली जैसा ही राग है जिसमें म और नी वर्जित है। 5 स्वर का औडव जाति का राग है। तो इसका आरोह भी भोपाली के जैसा ही है, सारे ग प ध सा सा ध प ग रे सा। लेकिन इसकी एक खासियत यह है कि भोपाली राग जो है वो कल्याण थाट से उत्पन्न है और ये देशकार राग है वो बिलावल थाट से उत्पन्न है, ऐसा माना जाता है। तो भोपाली में जो वादी संवादी है और ग और ध है, तो देशकार का जो वादी संवादी है और ये ध और ग है। तो भोपाली शाम को 7 बजे के करीब करीब यानी इवनिंग टाइम में गाया जाता है, रात्रि के प्रथम प्रहर में। तो देशकार राग अर्ली मॉर्निंग का राग है, सुबह सुबह पहले प्रहर में गाया जाता है। खास याद रखना है कि जब हम देशकार राग बजाएं गए तो इसका वादी स्वर ध है, तो ध के ऊपर ज़्यादा इन्फेसाइज होता है और इसमें जो राग की या गाने की शुरुआत होती है वो भी सा से डायरेक्ट ध सा ध प इस तरह से भी करते हैं। सा ध द सा प द सा द प ग प ग सा। जब रिटर्न में आते हैं अवरोह में तो ग रे सा इस तरह से ले लेते हैं। भोपाली में और देशकार में कुछ मुख्य ये डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा। देशकार राग का ये ध्रुपद जो कि चौताल में है, 12 मात्रा के चौताल में, उसको पूरा नोटेशन के साथ और शब्दों में भी गाकर देखें। उसके पहले पूरा एक बार फ्लूट पे बजा के देख लेते हैं कैसा लगता है। तो हमने ये फ्लूट लिया है स्वर काली 5 यानी ए शार्प का, ताल है ध्रुपद 12 मात्रा का और इसकी स्पीड है 100 BPM 100 बीट्स पर मिनट। धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट तक गति गन धा धा दिन ता किट धा दिन ता किट तक गति गन धा धा। और ये ध्रुपद है देशकार राग का, ये 7वीं मात्रा से शुरू होता है और इसका अंतरा सम से यानी पहली मात्रा से शुरू होता है। तो चलिए देखते हैं फ्लूट पे। Thank you.
ये था ध्रुपद राग देशकार में। तो इसका शब्द भी एक बार ताल के साथ गा के देख लेते हैं कैसे लगते हैं, इसके बाद हम आपको रोटेशन के साथ गाकर समझाएंगे। हवेली संगीत में बहुत ज्यादा गाया बजाया जाता है। चौताल जो कि 12 मात्रा का है उसमें ध्रुपद बहुत सारे गाए जाते हैं। हवेली संगीत में इसका बहुत महत्व है। और ये जो शब्द है इस ध्रुपद के वो भी हवेली संगीत के ही शब्द हैं। जागिए गोपाल लाल प्रगट भयो अंशुमान, मिट्यो अंधकार उठो जननी सुख पावे। बहुत ही बढ़िया सा ध्रुपद है। इसको अगर हम लयकारी के साथ गाए बजाए यानी दुगुन करें, तिगुन करें, चौगुन करें तो और भी इसकी रंगत खिलती है और सबको गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो अब इसकी एक एक लाइन देखते हैं। स्थाई की पहली लाइन जो है वो सातवीं मात्रा से शुरू होती है। जागिए गोपाल लाल साधा दशा पध साध पगरे सा गारे सा
सपद साद पगरे सा जागिए गोपाल लाल साधा द सपद साद प। अब इसका अंतराल जो कि सम से यानी पहली मात्रा से शुरू होता है मुकुलित भय कमल जाल मुकुलित भय कमल जाल पग प प ध द सा 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 पग प प ध द सा 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 कुमुद वृंदावन बेहाल सा सद सा सा सारे सारे सद प सा सद सा सा सारे सारे सद प त्रिविधता प मिट्यो जंजाल पध ग पध द सारे साद प पध ग पध द सारे साद प तन न साई ध प ग प ग रे सा तन न साई ध प ग प ग रे सा जागिए गोपाल लाल साधा द सपद साद प जागिए गोपाल लाल प्रगट भयो अंशुमान मित्यो कार उठो जननी सुख पावे जागिए गोपाल लाल। तो यह है राग देशकार का द्रुपद, बहुत प्रचलित भी है, बहुत फेमस है। हवेली संगीत में इसको बहुत गाया बजाया जाता है और प्रातः काल में जब कृष्ण भगवान को जगाने का समय होता है उस वक्त इसको गाते हैं। बहुत अच्छा है, आप भी इसको जरूर कोशिश कीजिएगा। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिएगा। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। आपने मुझे बहुत देखा सराहा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।